महाराज जी की प्रार्थना है हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ जाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। आओ आते जाओ। ओहो बिल्कुल बहुत अच्छा। बागेश्वर धाम भी आना। पुलिस में ना आप। आओ जय हिंद जनाब। जय जय महाराष्ट्र जनाब। जय हिंद। सीता राम 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 सीता राम राम
तरह। आप जो भी सामग्री लेकर आए हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए, वो आप नीचे सेवादार को दे दें। जो भी आप उपहार पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव भगवान को देना चाहते हैं, आप चित्र, फूल, मिठाई जो भी आप लेकर आए हैं, नीचे सेवादार हैं, आप उनको सामग्री दे सकते हैं। आपकी सामग्री, आपका उपहार गुरुदेव भगवान के पास पहुंच जाएगा। गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, ऐसे हम गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप जो भी सामग्री लेकर आए हैं आप नीचे सेवादार को सामग्री दे दें। और 4:30 बजे से आज की कथा प्रारंभ होगी। हम आप सभी कथा के द्वितीय दिवस में आज श्री हनुमंत कथा हनुमान चालीसा के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे। तो आप सभी 4:30 बजे भोजन प्रसाद पाकर के पुनः आए और 4:30 बजे कथा श्रवण करें। और कल सुबह दीक्षा का कार्यक्रम होगा और दीक्षा के बाद कल का गुरुदेव भगवान का आदेश हुआ है कि कल की कथा और एक दिन की कथा है, और वो एक दिन की कथा कल 2 बजे से हम आप सभी श्रवण करेंगे। तो कल आप सभी समय से 2 बजे यहाँ पहुंचे, और कल की कथा 2 से 5 बजे कल की कथा विराम होगी। कल कथा का तृतीय दिवस है, विराम दिवस है, तो आप सभी कल अवश्य पहुंचे और कथा श्रवण करें। आप पुनः आप सभी से हमारा विनम आग्रह है कि आपको पावन मंच पर ऐसे नहीं आना है। और आप जो भी सामग्री लेकर आए हैं, जो आप नीचे खड़े हैं, ये बालक बानर सेना से है, यहाँ पर बानर सेना भी बहुत अद्भुत काम कर रही है सनातन के लिए, एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दे दो। जय भवानी नगर बानर सेना को खूब खूब आशीर्वाद। पूरी सेना आई है, तुम ऐसे ही हिंदू राष्ट्र का काम करो। पूरी बानर सेना बागेश्वर धाम पर आमंत्रित है, और यहाँ पर बहुत बड़ा बानर सेना संगठन तैयार करना है भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए। आशीर्वाद। जो भी आप सामग्री लेकर आए हैं वो आप नीचे सेवादार को दे दें। जो पंडाल में जो चित्र हैं गुरुदेव भगवान के लिए हैं, उन भक्तों से भी विनम्र आग्रह है कि आप वो सामग्री जो नीचे सेवादार हैं आप उनको दे दें। सेवादार के पास आकर के आप जमा कर दें। आपकी जो भी सामग्री है, जो उपहार है, वो गुरुदेव भगवान के पास पहुंच जाएगा। सभी से विनम्र आग्रह है कि ऊपर मंच पर प्रवेश नहीं है, आप नीचे ही सामग्री दे दें। सभी से विनम्र आग्रह है। और भोजन प्रसाद पाने के बाद 4:30 बजे से आज की कथा प्रारंभ होगी। तो आप सभी 4:30 बजे कथा में पहुंचे। पुनः आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आप जो भी सामग्री लाए हैं नीचे सेवादार को दे दें। सभी भक्तों के लिए माननीय मंत्री जी के द्वारा पंडाल के ही बाहर मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन की व्यवस्था सभी के लिए है, सभी भक्तों के लिए है। तो सभी भक्तों से विनम्र आग्रह है कि भोजन पा करके आप पंडाल के बाहर भोजन की व्यवस्था की गई है, आप भोजन करके पुनः वापस आ सकते हैं। तो भोजन करके सभी आए। और आज की कथा, कथा के लिए कौन कौन बैठ रहा है? अब हम चाय पी लें, ये आ रहा है चाय पी लें, अब हम बहुत थक गए, चाय पी लें फिर कथा के लिए आते। हाँ, वो बच्ची जो प्रसाद दे रही है वो ले लो थैला में, आओ आओ। अब तुम लोग भी फोटो दे दो आशीर्वाद। आओ दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर, वो बच्चा जो पीछे उसको भी बुलाया था, कोई नहीं, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये भैया एक काम करो, राणा राणा ये जो सामग्री चित्र लाए हैं इन्हें एक तरफ खड़ा कर दो, हम चाय पी के आएंगे, मिल लेंगे, ठीक है? दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम। इसी के साथ आज का दरबार विराम। जय श्री राम। कल की कथा, आज की कथा, दोनों कथा होगी 4:30 बजे से आज की कथा।